इंसान को पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे हुए 53 साल हो चुके हैं। वैज्ञानिकों और स्पेस एजेंसियों की बदौलत आज हम स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने आर्टेमिस मिशन के तहत इंसान को दोबारा चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब वैज्ञानिकों की नजर सिर्फ चंद्रमा तक सीमित नहीं है, मशीनी रूप से इंसानों ने मंगल ग्रह पर भी कदम रख दिए हैं और अब वह दिन दूर नहीं जब इंसान मंगल पर भी मौजूद होगा। लेकिन नासा चाहती है कि उसके मिशन मंगल में सिर्फ महिलाएं शामिल हो, जिसके कई कारण हैं। कुछ साल पहले एक खुफिया रिपोर्ट में भी इस तरह के संकेत मिलते हैं। अंतरिक्ष में महिलाओं की उपस्थिति सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ही सीमित है। हालांकि आर्टेमिस के तहत पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर कदम रखेगी, लेकिन यह बात मिशन मंगल की करेंगे, जहां कुछ बिजनेसमैन भी घर बसाना चाहते हैं। कुछ साल पहले नासा की एक खुफिया रिपोर्ट ने संकेत दिए थे कि स्पेस एजेंसी के मिशन मंगल में सिर्फ महिलाएं शामिल हो सकती हैं। तब मंगल पर जाना इंसान के लिए सिर्फ एक सपने जैसा था, लेकिन आज यह सपना हकीकत की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इंसानों के मिशन मंगल की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर यह सवाल सुर्खियों में है कि इसके चालक दल में कौन कौन शामिल होगा। बात है 2017 की। एक कॉन्फ्रेंस में बोलती हुई ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री हेलेन शर्मन ने दावा किया कि नासा ने एक रिपोर्ट फाइल की है जो चेतावनी देती है कि लाल ग्रह की 1.5 साल लंबी यात्रा के दौरान महिला और पुरुष अंतरिक्ष यात्री उत्तेजित हो सकते हैं। यह रिपोर्ट दावा करती है कि सभी महिलाओं वाला चालक दल सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि महिलाएं एक टीम के तौर पर बेहतर काम करती हैं। वे पुरुषों की तुलना में टीम का लीडर बनने के लिए कम लड़ती हैं। शर्मन ने उस रिपोर्ट को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले इसे फाइल किया गया था। शर्मन ने कहा कि मैंने कुछ साल पहले सुना था कि इस तरह की कोई रिपोर्ट है। नासा ने इसे कभी जारी नहीं किया, लेकिन उनका मानना था कि चालक दल सिर्फ पुरुषों या महिलाओं वाला होना चाहिए। मंगल ग्रह की यात्रा करने में करीब 1.5 साल का वक्त लग सकता है। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री हाई रेडिएशन के संपर्क में भी आएंगे। ऐसे में अगर 2 अंतरिक्ष यात्री उत्तेजित हो गए और महिला गर्भवती हो गई तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अभी ज्ञात नहीं है।